Assalamu alaikum. This is Dr. Arslan Akhtar Ali, founder, CEO, Psychology Experts, International Mental Health Organization. जैसे कि नए साल 2024 का आगाज होने जा रहा है, तो ये एक बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जब भी एक इंसान अपनी जिंदगी में तब्दीलियां लेकर आना चाहता है तो उसे एक पॉइंट ऑफ इनिशिएशन चाहिए होता है, एक स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए होता है। तो आप इस साल को अपने लिए स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि पॉइंट ऑफ इनिशिएशन बना लें। तो इस साल ब्लेम गेम्स को ख़त्म कर दें और सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी के पैराडाइम पे शिफ्ट हो जाएं, अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी उठाएं, अपने आप को बेटर करें, पेशेंस, परसिस्टेंस और कंसिस्टेंसी के साथ अपने ऊपर हार्ड वर्क करें। अब आपने इस साल अपनी जिंदगी के पांच पहलुओं पे काम करना है। नंबर वन, सबसे पहले आपने अपनी प्रोडक्टिविटी पे काम करना है, यानी कि इस साल आपने अपने आप से बेहतरीन काम लेना है जो आपके लिए फायदेमंद हो। इसके लिए आप ये बुक रीड कर सकते हैं, एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। नंबर टू, आपने अपनी कम्युनिकेशन पे काम करना है, दूसरों से बातचीत के पहलू को बेहतरीन बनाना है। इसके लिए आप एक बुक रीड कर सकते हैं, दैट इज हाउ टू टॉक टू एनीवन बाय हेल। नंबर थ्री, पर्सनल फाइनेंस। आजकल पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत डाउन है, तो नौकरी या जॉब करके तो आप अपना सिस्टम नहीं चला सकते, तो आपको आमदनी के, पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके और स्किल्स सीखने होंगे। इसके लिए आप एक बुक रीड कर सकते हैं जो कि बहुत ही फेमस है, दैट इज रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट। नंबर फोर, आपने बिजनेस पे फोकस करना है। अगर आप ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं या बिजनेस करना चाहते हैं तो इसके लिए आप एक बुक रीड कर सकते हैं, योर नेक्स्ट फाइव मूव्स बाय पैट्रिक। अब जो पांचवा पहलू है, दैट इज ह्यूमन बिहेवियर। जिंदगी को बेहतरीन बनाने के लिए आपको अपना भी बिहेवियर समझना होगा और दूसरों का बिहेवियर भी समझना होगा। इसके लिए आप बुक रीड कर सकते हैं, द लॉ ऑफ ह्यूमन नेचर बाय रॉबर्ट। आपने जब अपने जिंदगी के पांच पहलुओं को बेहतरीन बनाने के लिए ये किताबें पढ़नी है या फिर कुछ भी आपने मटेरियल हासिल करना है, नॉलेज हासिल करना है, तो आपने इसको डायरेक्टली कॉपीकैट नहीं करना। आपने सबसे पहले अपनी रिसोर्सेज को कैलकुलेट करना है, आपकी मेंटल रिसोर्सेज, आपकी फिजिकल रिसोर्सेज, आपके आसपास का माहौल, आपके सिस्टमैटिक जो अप्रोचेज हैं, आपका सिस्टम आपको कितनी रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है। तो आपने तमाम रिसोर्सेज को कैलकुलेट करना है, अपने मुताबिक कस्टमाइज करना है, फिर इम्प्लीफाई करना है इस तमाम नॉलेज को, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये नया साल 2024 बहुत बेहतरीन साबित होगा और आप ब्लेम गेम्स को छोड़ते हुए सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी खुद उठाएंगे और अपने ऊपर मेहनत करते हुए अपने आप को बेहतरीन इंसान बनाएंगे, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए और इस सोसाइटी के लिए, इस माशरे के लिए। थैंक यू। Thank you.